हुस्नी अब्दुल वाहिद ने फलस्तीनी सफीर की हैसियत से स्पेन के बादशाह को अपने सिफारती दस्तावेजात पेश कर दिए। स्पेन के शाही महल में एक सरकारी तकरीब में जहां मिस्र, कतर, ऑस्ट्रेलिया और पेरू के नए सफीर मौजूद थे, इस दौरान हुस्नी अब्दुल वाहिद ने फलस्तीन के सफीर की हैसियत से स्पेन के बादशाह को अपनी सिफारती दस्तावेजात पेश कर दिए। 28 मई को फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के बाद स्पेन ने सिफारती नुमाइंदगी का दर्जा बढ़ाकर उसे सिफारतखाने में तब्दील कर दिया गया। हुस्नी अब्दुल वाहिद ने फलस्तीनी सफीर की हैसियत से स्पेन के बादशाह को अपने सिफारती दस्तावेजात पेश कर दिए। स्पेन के शाही महल में एक सरकारी तकरीब में जहां मिस्र, कतर, ऑस्ट्रेलिया और पेरू के नए सफीर मौजूद थे, इस दौरान हुस्नी अब्दुल वाहिद ने फलस्तीन के सफीर की हैसियत से स्पेन के बादशाह को अपनी सिफारती दस्तावेजात पेश कर दिए। 28 मई को फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के बाद स्पेन ने सिफारती नुमाइंदगी का दर्जा बढ़ाकर उसे सिफारतखाने में तब्दील कर दिया गया।